कर आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना महावीर मंदिर में भव्य तैयारियां चल रही है। बता दें कि जिस तरह से पुष्प वर्षा को लेकर लगभग 50,000 फूल की जो व्यवस्था की गई थी और जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से जो है वह फूल जो है बरसाया जा रहा है के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि रामनवमी को लेकर पूरा पटना जो है वह राममय हो गया है। और यही कारण है कि पूरा राजधानी जो है भगवा रंग से, एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं भगवान में जो है पूरा पटना जो है वह लीन हो गया है। पटना महावीर मंदिर की अगर हम बात करें तो महावीर मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त जो है वह पहुंचे हुए हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना महावीर मंदिर की ओर से जो है 50,000 किलो पुष्प जो है वह वर्षा जो है वह होने वाला है। देखिए किस तरह से ड्रोन के माध्यम से जो है वह पुष्प वर्षा किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि लगभग 3 ड्रोन के माध्यम से जो है वह पुष्प वर्षा किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से भगवान राम का प्रकटय उत्सव जो है मनाया जाने वाला है, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है मंदिर के परिसर की ओर से जो है किया गया है। जैसा कि मंदिर के संचालक आचार्य किशोर कुणाल ने भी बताया कि जिस तरह से सुबह से ही भगवान का पट जो है वह खुला हुआ है, भक्त जो है वह दर्शन करने आ रहे हैं। काफी संख्या में जो भक्त है वह दर्शन कर रहे हैं। देखें किस तरह से ड्रोन में जो है वह पुष्प भरा जा रहा है और जो है आप देखिए किस तरह से गुलाब की पंखुड़ियां हैं और गेंदे के फूल का जो है मिश्रण किया हुआ है। देखिए किस तरह से ड्रोन में जो है वह भरा जा रहा है और जो है ड्रोन के माध्यम से जो है पुष्प वर्षा किया जा रहा है। ये तस्वीर जो है राजधानी पटना के महावीर मंदिर का है, जहाँ काफ़ी मनमोहक है। ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है, जहाँ भक्तों के ऊपर जो है भगवान के जो है चढ़ाया हुआ पुष्प जो है वह वर्षा किया जा रहा है। और ये तस्वीर कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना महावीर मंदिर में जो है वह आयोजित किया गया, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो मंदिर परिसर में जो है वह किस तरह से यहां पे जो है वह ड्रोन के माध्यम से फूल पुष्प वर्षा हो रही है। बता दें कि वहीं भक्तों के अगर बात करें तो प्रसाद के लिए भी 20,000 किलो लड्डू की व्यवस्था जो है वह किया गया। साथ ही साथ जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं की तस्वीर देखी जा रही है। बता दें कि राजधानी पटना महावीर मंदिर में जिस तरह से भक्तों के लिए जो तैयारियां पहले ही से होती आ रही थी और आज कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर भी भक्त काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वह तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां देखिए किस तरह से ड्रोन के माध्यम से जो है वह पुष्प वर्षा किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीर कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना की है, जहाँ तस्वीर के माध्यम से भी देखिए किस तरह से जा सकते अब है भी तो नहीं अगर तो आप तस्वीर देख रहे थे किस तरह से पटना महावीर मंदिर में ड्रोन से जो है पुष्प वर्षा किया जा रहा है। पूरे परिसर में जो है पुष्प वर्षा हो रही है। इस तरह बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।